40 साल तक मैंने किया तो मेरा कितना हो चुका है, जो मेरा 20,000 रुपये था वो 53,37,271 रुपये यहाँ पे हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा रिटर्न है। तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ग्रो ऐप से पैसा कमाना चाहते हो तो कैसे आप पैसा कमा सकते हो ग्रो ऐप से। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप पर डे का 300 से लेके 500 रुपये कमा पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, मैं उसे आपके सामने स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आप सामने से देख भी सको। तो यहाँ पर जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन थी, मैंने उसे स्टार्ट कर दिया है, आपको डिस्प्ले पे साइड में दिख रही होगी। अब सीधे मैं अपना ग्रो ऐप ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रो ऐप, यहाँ पर मैं अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ पर ग्रो ऐप अनलॉक हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे म्यूचुअल फंड का है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और देख सकते हो मेरा जो टोटल रिटर्न, यहाँ पर देखिए ये जो दिखा रहा है यहाँ पर टोटल 2,251 रुपये। यहाँ पर देखिए 1 डे का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर 20 रुपये माइनस में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 डे में आपको 300 रुपये से 400-500 कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर SIP के ऑप्शन, मैंने पैसे कमाने के लिए एक SIP किया है। SIP क्या होता है आगे वीडियो में बताऊंगा। आपको कुछ पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर देना होता है, उसके पास आपको, उसके बाद आपको हर रोज़ आपको यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग होती रहती है। कैसे होती है अर्निंग सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पे SIP वाले ऑप्शन में क्लिक किया मैंने, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से SIP आ चुकी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 SIP किया था, जिसमें मैंने 2 कैंसिल करके एक ही किया, गलती से 3 SIP हो चुका था तो मैंने 2 को कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर, यहाँ पे जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर जो मेन वाली है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले SIP में मुझे 1625 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो SIP है, इसमें मुझे 312 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और जो तीसरी वाली SIP है इसमें 312 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे ये प्रॉफिट रोज़ बढ़ता है, रोज़ घटता भी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर पैसा अपना रखते हो इन्वेस्ट करके, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि SIP क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ बैक आके। मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, अब यहाँ पर मैं एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर स्कोर कर लेते हैं यहाँ पे। अभी ये ऑप्शन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो स्टॉक वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, इसमें देखेंगे, ये ऑप्शन अभी भी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो देख लेते हैं वो ऑप्शन है कहाँ अभी फ़िलहाल। देखिए नीचे यहाँ पर SIP कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, 20,000 इन्वेस्ट किया है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लमसम पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर 20,000 अमाउंट डाल लेता हूँ। 20,000 मैंने इन्वेस्ट करके, एक बार मैंने 20,000 डाल के छोड़ दिया है। अब मुझे रोज़ किसी दिन 300 मिलता है, किसी दिन 200, किसी दिन 500, यानी कि जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होता है वैसे पैसा मिलता है, लेकिन आपका पैसा यहाँ पर लॉस नहीं जाएगा अगर आप लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर रिटर्न जो मुझे कितना मिला है, 15% रिटर्न मिला था, तो मैं यहाँ पर 15%, मतलब 15% रिटर्न यहाँ पर मान के चलता हूँ। जैसे कि मैंने 20,000 डाल के 10 साल तक छोड़ दिया, अब मान के चलिए मैंने यहाँ पर 10 साल तक छोड़ दिया, ये जो मेरा इन्वेस्ट कितना हुआ था 20,000 रुपये, अब मुझे रिटर्न कितना मिला 10 साल बाद 60,000 रुपये, देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हुई, 80,911 रुपये। अब इसी को मैं 20 साल तक वैसे ही डाल के 20,000 रुपये को भूल जाता हूँ, तो मेरा जो रिटर्न निकल के आएगा 3,07,000 रुपये आ चुका है। मेरा इन्वेस्ट कितना है 20,000। अब इसी को मैं 30 साल तक छोड़ देता हूं यहां पे, तो देखिए यहां पर 13 लाख रुपए हो चुका है। यहां पे ये जो है 13 लाख रुपए सिर्फ मैंने 20,000 डाल के छोड़ा, और यहां पर कितना हो गया 13 लाख रुपए 30 साल बाद। अब देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा और 40 साल कर लेता हूं, ताकि यहां पर, अब देखिए 40 साल तक मैंने किया तो मेरा कितना हो चुका है, जो मेरा 20,000 रुपये था वो 53,37,271 रुपये यहाँ पे हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा रिटर्न है। तो आप यहाँ पर ग्रो ऐप से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, आपको कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम तक छोड़ देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे SIP करके लॉन्ग टाइम तक 20,000 डाल के छोड़ दिया है। अगर यही मैं, जो मेरी एज 40 से मान के चलिए, अभी मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, जब मेरी एज यहाँ पर मान के चलिए 80 के आसपास जाएगी, तो ये पैसा मेरा जो है
53 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। इस टाइम मेरी जो एज अभी चल रही है 24 साल, तो 24 साल से आप देख सकते हो, मतलब कि वही 65 के आसपास जब मैं हो जाऊँगा तो मुझे 53 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, 20,000। तो इसी प्रकार से मैंने ये SIP में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है। और देखिए यहाँ पर पैसा आपको रोज़ मिलेगा, रोज़ मतलब जो पैसा मिलेगा वो माइनस भी होगा वही प्लस भी होगा। जैसे कि यहाँ मैं स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ये बैंक निफ्टी है। यहाँ पर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पैसा बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक किया, डैशबोर्ड पर गया, अब देखिए मैंने कितना अभी इन्वेस्ट किया है, 20,499 रुपये मैंने इन्वेस्ट करके यहाँ पर छोड़ दिया है। टोटल अभी तक मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,251 रुपये। टोटल मेरा पैसा सब मिला के कितना हो गया है, 22,750 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, यानी कि मुझे सिर्फ 2-3 महीने में यहाँ पे 2,251 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। इस पैसे को मैं कभी भी रिडीम कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रिडीम करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे कि मुझे ये पैसा अभी रिडीम करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक रिडीम का ऑप्शन आएगा, रिडीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और ये पैसा पूरा का पूरा, ये जो रिटर्न मिला है प्रॉफिट हुआ है सब मिला के मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर एक साल से पहले मैं इसे रिडीम करूँगा तो कुछ परसेंटेज यहाँ पर कटता है, लेकिन एक साल से बाद अगर मैं इसे रिडीम करूँ तो कोई भी यहाँ पर नहीं कटेगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पैसा लगाना आप मतलब रिस्क हो सकता है, तो थोड़ा बहुत रिस्क है, लेकिन अगर आप कुछ टाइम तक के लिए यहाँ पर पैसा रखोगे तो रिस्क यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि अगर आप सोचोगे 6 महीने 2 महीने में पैसा निकालूँ तो हो सकता है आपका पैसा यहाँ पर थोड़ा न मिले, या मिले तो 100-200 मिले, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल से ऊपर, 6 साल 7 साल अगर आप डाल के छोड़ देते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखने लगेगा। इसे बोला जाता है कंपाउंड मनी, यानी कि पैसे के ऊपर पैसा आपको मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार से अगर आप भी ग्रो ऐप से पैसा कमाना चाहते हो तो सेम आप SIP करिए। SIP कैसे किया जाता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कॉमेंट करिए, उस पर मैं एक, अगर आपका ज़्यादा कॉमेंट आता है तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि SIP कैसे आप ग्रो ऐप में कर सकते हो, पूरा A to Z आपको समझाऊँगा उस वीडियो में, ताकि आप खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे SIP कर पाओगे और हर महीने आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट अपनी सैलरी से निकाल के इन्वेस्ट करके एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे आप बना पाओगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं हर महीने, अभी देखिए यहाँ पर हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल कभी नहीं हो पाता है 5,000। तो मैं यहाँ पर SIP वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए 500 मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। मैं हर महीने अब 500 रुपये यहाँ पर SIP में डालता हूँ, 500 करके इस तरीके से डाल देता हूँ। कभी पैसा होता है तो इकट्ठा ही डाल देता हूँ, अगर नहीं होता है तो 500 रुपये करके यहाँ पे डालता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5,000 10,000 डालो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो, 5,000 भी डाल सकते हो, 10,000 भी, 500 2,000 1,000, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर महीने अपनी सैलरी में से कितना परसेंट यहाँ पर, कितना पैसा आप SIP में इन्वेस्ट करोगे। अगर आप ये इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि मैंने सिर्फ आपको यह नॉलेज पर्पस के लिए बताया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ये आप एक बार अपने हिसाब से रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। तो आप कहीं पर भी आप सर्च कर लीजिएगा, मेरी वीडियो देख के इन्वेस्ट मत करिएगा, और आप खुद से रिसर्च कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि हाँ इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप रिसर्च कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। मेरा जो है वो मेरा सामने आपको दिख रहा होगा, टोटल जो मेरा रिटर्न है 2,251 रुपये है। अभी यहाँ पर 20 रुपये माइनस चल रहा है, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि मार्केट एक बैग अगर ऊपर चला जाए तो यहाँ पर मुझे 500 से लेकर 400 प्रॉफिट होता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको मतलब कि लॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मुझे कोई लॉस नहीं है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो मेरा प्रॉफिट है उसी में से माइनस हो जाता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे और प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। जो मेरा मेन अमाउंट है वो यहाँ पर वैसे कि वैसे है, मेन अमाउंट में से अभी तो कोई माइनस नहीं हो रहा है, जो मेरा प्रॉफिट है उसी में से माइनस प्लस होता रहता है। तो मैं इसे यहाँ पर 10 साल नहीं 40 साल तक डाल के इसे छोड़ दूंगा, ताकि उस टाइम देखेंगे कितना पैसा मिलता है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।